हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। कल हमने हाफ की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सी एंड डी, चार सेट आपके पास गिवन है और आपको निकालना है। फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। कल हमने पढ़ा था यूनियन का मतलब हमने पढ़ा था जॉइन होता है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम कॉमन पॉइंट एलिमेंट उठाते हैं, कॉमन एलिमेंट। ओके, इंटरसेक्शन में आप जब दो सेट्स के इंटरसेक्शन करते हो तो उसमें से हम जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको उठाते हैं। इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं कैसे हैं? दिस इज उल्टा यू, ठीक है। यूनियन को कैसे लिखते थे? यू टाइप, दिस इज द यूनियन। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप ए और बी की इंटरसेक्शन कर रहे हो, मतलब जो ए में जितने एलिमेंट हैं और बी में एलिमेंट हैं उनमें से देखोगे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, तो उस सेट से बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा कॉमन एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन होती है। क्वेश्चन देखिए, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है आपके पास, हमें फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो अभी हमने कहा कि कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ से देखो 7, 9, 11, 13, यहाँ से देखेंगे तो 7, 9 और 11 दोनों सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास? 7, 9 और 11, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट होगा जिस भी सेट की तुम इंटरसेक्शन करते हो उनमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी सेट आपके पास है 7, 9, 11 और 13, सी सेट दे रखा है 11, 13 और 15। या तो आप इसको ऐसे लिखो कि बी सेट पहले लिख लो, यहाँ पे 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन कर रहे हैं सी सेट के साथ। सी सेट को उठाओ यहाँ से, 11, 13 और 15, ठीक है। ये दोनों सेट हमने लिख लिए। अब हमें इसकी इंटरसेक्शन करनी है, तो दैट मीन्स हमें इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो उठा लो। 11, 13, 11 और 13, 7, 9 ना तो इसमें है और 15 ना ही इसमें है, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इंटरसेक्शन 11 एंड 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सेट ए में से, सेट सी में से और सेट डी में से जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है वो हम उठा के चलेंगे। ए सेट में 3, 5, 7, 9, 11, सी सेट में 11, 13 और 15 एंड डी सेट में 15 और 17। अब देखिए, पहले हम ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी अगर हम करते हैं तो सेट ए लिखेंगे यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं सी के साथ। सेट सी लिख देते हैं 11, 13, 15। अगर हम दोनों के इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 11, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दो जगह हमारे पास 11, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 11। अब हमें करना है, हमने सिर्फ निकाला है ए इंटरसेक्शन सी, हमें करना है जो आंसर आएगा उसके इंटरसेक्शन डी के साथ, यानी कि जो हमारा आंसर आया 11, इसके इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 15 और 17। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें 11, इसमें 15 और 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी कि हमारे पास एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए की और सी के साथ देखेंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? 11 है, तो इसके आ जाएगा आपके पास आंसर 11 ए और सी में। नेक्स्ट करना है बी इंटरसेक्शन डी। बी में और डी में चेक करिए, बी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 13 पे ख़त्म हो जाता है, 15 से स्टार्ट होता है, तो इसको या तो आप नल सेट ऐसे लिख के छोड़िए या फिर 5, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटर बी यूनियन सी, हमें जो ये क्वेश्चन गिवन होता है इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार बी यूनियन सी अलग से निकाल लो, बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स को ज्वाइन करना। तो 7 बी के, पहले बी के सारे एलिमेंट लिखिए, 7, 9, 11, 13, फिर हम सी के उठाते हैं, 11 आ चुका हमारे यूनियन में, 13 आ चुका, रह गया हमारा 15, यहाँ हम लिख देते हैं 15, ठीक है। तो बी यूनियन सी की वैल्यू आ जाती है
दिस सेट। अब यहाँ पे करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सेट ए लिखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11। ओके, इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं? बी यूनियन सी के साथ, और बी यूनियन सी हमारे पास ये सेट है, तो हम सेट उठा के रख देंगे यहाँ से 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, अब इनमें से कॉमन एलिमेंट निकाल लीजिए क्योंकि हमें करना है इंटरसेक्शन। तो कॉमन एलिमेंट 7, 9 एंड 11, तो इसका आंसर आ जाएगा सेट 7, 9 और 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन डी करना है, ए की इंटरसेक्शन डी के साथ। ए हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, 11 पे ख़त्म हो रहा है, या 15 से शुरू होता है, तो यहाँ से हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए 8-5 जो आपके पास है पार्ट 8, ये आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बी यूनियन डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी यूनियन डी दोनों सेट्स की यूनियन कर दीजिए, 7, 9, 11, 13। बी के सारे एलिमेंट उठा लिए, कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो डी के आ जाएंगे 15 और 17। दोनों सेट्स के एलिमेंट इकट्ठा करके लिख दिए तो हमारे पास यूनियन हो जाता है। फिर हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए की यहाँ पे वैल्यू रखिए, सेट लिखिए यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? बी यूनियन डी के साथ, तो पूरा सेट हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन करते हैं, क्या आता है इसका आंसर? इन दोनों में इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दीजिए 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ लिख देते ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन करना है आपको बी यूनियन सी के साथ, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन करना है किस सेट के साथ? बी यूनियन सी के साथ। बी की और सी की यूनियन कर दीजिए 7, 9, 11, 13। 11, 13 पहले ही आ चुके हैं हमारे पास, एक रह गया हमारा 15। ओके, अब हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 7, 9, 11, 7, 9, 11। ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11। लास्ट 10th ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन कह रहा है बी यूनियन सी के साथ कीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ए यूनियन डी, ए और डी की यूनियन, सेट ए सेट डी दोनों की यूनियन क्या आएगा आपके पास? 3, 5, 7, 9, 11, और डी के एलिमेंट है 15 और 17। ये हो गया, बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी सॉल्व कर लीजिए, बी और सी की यूनियन करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 7, 9, 11, 13, कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, फिर आ जाएगा 15। ओके, इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है कौन कौन से आ रहे हैं? 7, 9, 11, 15। ठीक है, इसमें 13 नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, 9, 11 और 15, ये आपके पास हो जाएगा आंसर। तो इंटरसेक्शन आपको इस तरह से सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए सेट दे रखा है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। एक्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सम, तो हमारा ये सेट बन जाएगा ए सेट। सेकंड कहते हैं बी इज़
x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सम। सी कहते हैं x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड में 1, 3, 5, 7 अप टू सम। एंड लास्ट इज डी सेट, x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 up to 100। इस तरह से चलते जाएंगे मेरे पास प्राइम नंबर। ये चार सेट आपके पास गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए की और बी की इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ए सेट आपके पास 1 से लेकर अप टू 100 चल रहा है, इसमें हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो अगर हम इसमें से कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 7, 8, इस तरह से आपके पास कॉमन आते जाएंगे। तो हमारे पास दोनों की कॉमन क्या आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 up to 100 कॉमन आ रहा है। अब ये सेट देखिए, ये सेट किसके इक्वल है, बी सेट भी तो हमारा यही है, तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी सेट के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट उठाने हैं, तो कॉमन एलिमेंट दोनों में से यही एलिमेंट आएंगे, तो ये हमारा सेट बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी। ए इंटरसेक्शन सी करते हैं, ए की और सी की इंटरसेक्शन, दिस इज एंड दिस, इसकी इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, आगे 9, यानी सारे ऑड नंबर आपके पास इसमें कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सम, तो ये सेट हमारा कौन सा है, सी सेट, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा सी के इक्वल। ए इंटरसेक्शन डी करते हैं, सेट ए नेचुरल नंबर्स का सेट, डी प्राइम नंबर्स का सेट, ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दिस एंड दिस, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन, देन 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, इस तरह से आपके पास कॉमन आते जाएंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो लिख लीजिए यहाँ पे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 up to 100, तो ये सेट किसके इक्वल है, सेट नंबर डी, तो ये आपके पास डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी की और सी की इंटरसेक्शन कीजिए, बी आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स है, इसमें सारे इवन नंबर है जो दो से डिवाइड होते हैं, इसमें आपके पास सारे ओड नंबर है, तो दोनों के अगर आप इंटरसेक्शन करते हो, बी इंटरसेक्शन सी करना है, इवन और ओड नेचुरल नंबर्स के अगर कॉमन एलिमेंट निकालते हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 आ जाएगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी, बी की और डी की इंटरसेक्शन करनी है आपको, बी 2, 4, 6, 8, डी है 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 up to 100। जो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं इसमें सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सारे ओड नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें 2 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आपके पास प्राइम भी हो एंड इवन भी हो, ये सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो होता है 2, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शन करनी है बी एंड डी की, तो बी में हमारे पास सारे इवन नंबर हैं और डी में हमारे पास केवल एक इवन नंबर है विच इज़ 2, एंड जो बाकी रह गए वो सारे ओड नंबर है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2, सिंगलटन सेट। सी इंटरसेक्शन डी, सी की और डी की इंटरसेक्शन करते हैं, सी में हमारे पास क्या दे रखा है, 1, 3, 5, 7, सारे ओड नंबर है, और डी में हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 up to 100। अगर आप इसकी इंटरसेक्शन करते हो तो कहाँ से कॉमन आएगा, 3, 5, 7, ये तो सारे ओड नंबर ऑलरेडी है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, 3, 5, 7, 11, 13 up to 100। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्राइम ओड नंबर, आप इसको लिखोगे, इधर बता देते हैं, एक्स, एक्स कैसा रहेगा आपके पास, ओड प्राइम नंबर, क्योंकि ये जो 2 है ये इसके साथ कॉमन नहीं आएगा, तो 2 हम रहने देंगे, कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास बच जाएगा x ओड प्राइम नंबर। तो इंटरसेक्शन जो आपके पास सी और डी के आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपके पास ये अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको इंटरसेक्शन भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप रोस्टर फॉर्म में निकाल सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर आपके पास दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं आता है तो ये सेट आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है। यानी हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन उन्हीं को कर सकते जो कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए में मान लो आपके पास दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है ए बी सी, ठीक है, तो ए और बी डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ओके। चलिए देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि ये दो सेट आपके पास दे रखे हैं, क्या ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट सेट में 1 2 3 4। नेक्स्ट कहता है कि x इज ए नेचुरल नंबर विच इज लाइज बिटवीन 4 एंड 6। तो इसके आप रोस्टर फॉर्म बना लीजिए। नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 1 से शुरू होते हैं, दैट मीन्स x की वैल्यू 4 और 6 के बीच में। इक्वल आ रखा है तो 4, 5 और 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए क्या दोनों में कॉमन एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 और उसमें आ रहा है 4, 5 और 6। दोनों में कॉमन अगर हम देखते हैं तो क्या आता है, कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 4, 4 जो दोनों में कॉमन है, ओके। तो या आप ये भी कह सकते हो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाता है तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे। वही मतलब हो गया कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकलता, कॉमन एलिमेंट नहीं आता है तो वो सेट डिसजॉइंट होते हैं। तो ये दोनों सेट आपके पास डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर चेक करते हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें कहता है सी डी ई एफ, क्या दोनों में कॉमन एलिमेंट है? ए ई ई इसमें भी है और इस सेट में भी है, और कोई कॉमन नहीं है, कम से कम एक सेट तो आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, इसमें आपके पास ई आ रहा है, देन दीज सेट आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट क्योंकि इनमें एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है ई। नेक्स्ट कहता है कि एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। इंटीजर बोला है इसने, तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी, 2, 0, 2, 4, 6 up to 100। और इसमें अगर आप लेके चलते हो ऑड इंटीजर्स लेके चलते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, -1, 1, 3 up to 100। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, ये जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये 2 से डिवाइड नहीं होते तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इस सेट को ए मान लेते हैं ए, और ये सेट हम ले लेते हैं बी, और अगर हम इसकी निकालते हैं इंटरसेक्शन तो क्या आएगी, 5 है। तो ये दो आपके पास पेयर है, ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स के पेयर है, ठीक है। देन आप लिख सकते हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास गिवन है, सेट ए बी सी एंड डी। 4 सेट आपके पास गिवन है, आपको निकालना है ए माइनस बी। अब हम माइनस कैसे करते हैं, ए सेट में से हमें बी को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये हमारा सेट ए है। इसमें से हमें माइनस करना है बी सेट को। बी सेट गिवन है 4, 8, 12, 16 एंड 20। आंसर क्या आएगा, हमने कहा कि ए में से हम बी को माइनस कर रहे हैं तो इसमें ए के सारे नंबर आ जाएंगे, केवल उनको छोड़ के जो बी के साथ कॉमन है। सबसे पहले तो आप कॉमन नंबर चेक कर लीजिए कि ए और बी के साथ कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। 3, 6, 9, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, देन 15 बी में नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। हमें बी सेट वाले कोई नंबर नहीं छेड़ना, सिर्फ वो लेना है जो कॉमन है, जो कॉमन नंबर है उनको आप टिक कर लीजिए। ए में से हम बी को घटा रहे हैं तो नंबर आएंगे ए के, बट उनको छोड़ देंगे जो कॉमन है। तो हमने बी को घटा दिया, यानी बी को माइनस कर दिया हमने यहाँ से इसके नंबर निकाल के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसमें नहीं है, 6 देन 9 सेट में नहीं है, 12 था हमने छोड़ दिया,
इसके बाद आ जाएगा 15, इसके बाद 18, इसमें नहीं है, 18 भी ले लेंगे, देन 21। तो a माइनस बी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे नंबर आएंगे a के ही, ठीक है, वही छोड़ देंगे जो इसमें कॉमन आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए a माइनस सी। ए में से आपको सी सेट माइनस करना है, ये सेट ए दे रखा है, ये सेट सी दे रखा है। सबसे पहले कॉमन नंबर चूज कर लीजिए, 6 कॉमन है दोनों में, देन 9, 12, 12 कॉमन है, 15, 18, 21 और नंबर कॉमन नहीं है। तो ए माइनस सी कर रहे हैं तो ए के सारे नंबर उठाएंगे, ऐसे मत कर देना कि आप यहाँ पे सी के एलिमेंट लिख दोगे, ठीक है, जिसको माइनस कर रहे हो उसके नंबर नहीं देते, जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो लेते हैं, यानी हम ए को के नंबर उठा के चलेंगे। 3 इसके अंदर नहीं है, 6 इसमें है उसको हमने माइनस कर दिया, देन 9, इसके बाद 12 को हमने माइनस कर दिया, 12 निकल गया, फिर आता है 15, फिर आता है 18, फिर 21, ये हो जाएगा a माइनस सी। ए माइनस डी करते हैं तो a और d के नंबर चेक कीजिए, a और d में जो कॉमन नंबर है 3, 9, 11 इसमें नहीं है, 12 नहीं है, 15 नंबर d में भी है, देन 18, 21 और इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो a माइनस डी कर रहे हैं तो a के नंबर लिखेंगे, a के नंबर 3, d में नहीं है, 6, 9, 12 भी नहीं है, 15 कॉमन है उसको हम निकाल देंगे, फिर आता है 18, फिर आ जाएगा 21, ये हो जाएगा a माइनस डी। फिर कहते हैं b माइनस a, b में से a घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट b के। अब देखिए b और a, ये था हमारे पास कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 12, यहाँ पे 12 और नंबर कॉमन है दोनों में नहीं जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b के एलिमेंट उठाएंगे, क्योंकि हम b में से a को माइनस कर रहे हैं तो नंबर आएंगे यहाँ पे b के, 4, 8, 12, क्योंकि दोनों में कॉमन है उसको हम निकाल देंगे, देन 16 एंड 20, ये आपके पास आ जाएगा b माइनस a। तो b माइनस a जो कॉमन नंबर है सिर्फ वो छोड़ने हैं, देन हम a को जो एलिमेंट्स को जो वो ना तो हमें ये लेने हैं ना ही हमें इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ हमें b के नंबर्स को उठाना है। c माइनस a कर रहे हो तो आप c के नंबर्स को उठाओगे, जो कॉमन नंबर है उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए c माइनस a कर रहे हो तो c के नंबर 2 a में नहीं है लिख देंगे यहाँ पे, 4 a में नहीं है, देन 6 a में है 6 को माइनस कर देंगे, 8 नहीं है a में 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसके बाद 12 कॉमन है 12 को माइनस कर देंगे, इसके बाद आ जाएगा 14, इसके बाद आ जाएगा 16, ये हो जाएगा c माइनस a। डी माइनस ए करोगे तो डी में से अब हमें ए माइनस करना है तो नंबर किसके उठाएंगे, डी के नंबर उठाएंगे, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 15, तो डी के नंबर लिखो यहाँ पे, कॉमन है उसको छोड़ देंगे, 5, 10, 15 छोड़ देंगे हम, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड 20, ये आ जाएगा डी माइनस ए। लास्ट है बी माइनस सी। बी में से आप सी को माइनस करोगे, बी और सी कॉमन एलिमेंट देखिए, 4 कॉमन है दोनों में, 8 कॉमन है, 4, 8, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है, ठीक है, तो चार एलिमेंट आपके पास कॉमन है बी और सी के, एलिमेंट किसके लिखेंगे यहाँ पे, बी के नंबर उठाएंगे। सबसे पहले बी का नंबर क्या है, 4 हमारे पास सी में आ चुका, इसको मैं माइनस कर दिया, फिर हम उठाएंगे 8 को माइनस कर दिया, फिर कॉमन है 12 को माइनस कर दिया, 16 को भी माइनस कर दिया, बचा क्या 20, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं सेम टू सेम ऐसा ही करने हैं आपको, तो वो आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स सेट दे रखा है ए बी सी डी, वाई दे रखा है एफ बी डी जी, आपको निकालना है एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई को माइनस करना है, तो जो कॉमन एलिमेंट हो देख लीजिए, बी दोनों में कॉमन है, डी दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है, x में से y को माइनस कर रहे हो तो एलिमेंट किसके उठाएंगे, x के, तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे a, b को माइनस कर दिया हमने, फिर c, d को माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा x माइनस y। नेक्स्ट कहता है y माइनस x, y माइनस x करेंगे तो हम एलिमेंट उठाएंगे y के, f, b दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b को छोड़ देंगे, d को भी माइनस कर दिया, बच गया g, ये आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन कर रहे हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, बी एंड डी।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इफ इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवंथ कहता है आर सेट दे रखा है रियल नंबर्स का, क्यों दे रखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्यू दे रखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो आपको बताना है कि आर माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी। हमने पहले भी किया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, माइनस वन माइनस टू इधर वन टू थ्री ये हमारे पास रियल लाइन होती है, ठीक है। इधर चलते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी, ये कंप्लीट हमारी रियल लाइन। हमने बताया था कि हमारे पास एन नंबर किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि वन है आपके पास, वन को लिख सकते हो वन बाई वन, टू टू बाई वन, तो इस ये जो आपके पास क्यूब में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आप इन नंबर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हो। इसके जैसे वन और टू के बीच में अगर हम मिड में लेते हैं तो हमारे पास आता है थ्री बाय टू, ठीक है, डेढ़, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। वन और टू के बीच में यानी कि देर आर मैनी इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, ये हमारे पास कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल लाइन को, जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसको हमने ब्रेक किया रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, ठीक है। रैशनल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं, रैशनल में आ जाएंगे आपके पास नेचुरल नंबर, नेचुरल को आप रैशनल बोल सकते हो, होल नंबर, देन इंटीजर्स, ठीक है। ये जो आपके पास नंबर्स होते हैं सारे सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के, सबसेट का इसको आप किसे शो करते हो, एन से, होल नंबर को हम डब्ल्यू से और इसको जेड से और रैशनल नंबर को क्यू से। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एन है सबसेट होता है क्यू का, डब्ल्यू इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्यू, जेड इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल लाइन है वो हमारे पास दो नंबर्स में डिवाइड होगी, रैशनल और इरेशनल, क्योंकि जो बाकी के नंबर थे तो सारे रैशनल में ही आ गए और जो बीच के जो नंबर हैं जो बटे की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी रैशनल है ही। तो हम यहाँ पे ही कह रहे हैं कि अगर हम रैशनल में से रियल में से रैशनल माइनस कर देते हैं तो बचा क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आपको बताना है कि आर माइनस क्यू क्या होगा, तो आर माइनस क्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से, R माइनस क्यू अगर हम रियल में से रैशनल माइनस कर रहे हैं तो आपके पास बचेगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपके पास सेट्स दे रखे हैं, दो सेट्स, कहता है कि दिस सेट एंड दिस सेट आर डिसजॉइंट सेट। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से फॉल्स है। अभी कह रहा है कि दिस सेट एंड दिस सेट आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट क्या होता है, जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे टू थ्री, थ्री इज कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट बने, नहीं जी, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। जस्टिफाई करना आपके आंसर को, मतलब आपको बताना है कि क्यों ये आपके पास डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थ्री इज द कॉमन नंबर बिटवीन टू सेट्स, तीन आपके पास कॉमन नंबर है इसलिए आपके पास ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट कहता है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स, कई दोनों सेट डिसजॉइंट है। देखिए यहाँ से ए दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर कोई कॉमन नंबर नहीं है तो यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर आ गया ए। तो यहाँ से आपके पास क्या लिखोगे कि ए इज अ कॉमन नंबर बिटवीन टू सेट। नेक्स्ट टू सिक्स टेन फोर्टीन, सेकेंड सेट दे रखा है थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन, दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, टू सिक्स टेन फोर्टीन इसमें सारे इवन नंबर हैं, थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन इसमें सारे ओड नंबर हैं,
ठीक है, ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, तो इसमें कोई भी नंबर दोनों में जो है कॉमन नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, इसको अगर हम ए नेम दे देते हैं, ये सेट बी ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे बता भी सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 2, 6, 10 वही इवन नंबर है, ठीक है, 3, 7, 11 ऑड नंबर है, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी बनेगी, ट्रू स्टेटमेंट बनेगी। कैसे बताओगे कि आपके पास इवन नंबर एंड ऑड नंबर, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, तो आपको बता, इस क्वेश्चन में बताना कि क्या ट्रू है फॉल्स, और आपको रीज़न भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स यूनियन और इंटरसेक्शन के, वेन डायग्राम टाइप यहाँ पे हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम से आप इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।